भाई ये है अपने शोल्डर प्रेस, इसमें ये जो पिलर्स हैं वाले, सबसे पहले हमने ये लेने हैं और इसमें ये सपोर्ट लगानी है, ये वाली, और फिर इसके बाद ये वाली। ये जो है पीस, ये पूरा वन पीस में है। उसके बाद फिर हमें हैंडल लगाने हैं यहाँ से, नीचे वाले हैंडल लगाने हैं। ये बीच में जो है ये इस तरह के ये तान जो है ये लगानी है। बस रख दो। ये है आपकी टी बार, ये मेनली टू पार्ट्स में है, ये है और ये वाला है। इसको हमें यहाँ लगाना है चार बोल्ट पे। उसके बाद ये लगाना है यहाँ पर। बस फिर सीट लगानी है। ये हमारा एडजस्टेबल है, ये आपका पूरा इंस्टॉल। भाई ये अपनी है मशीन हैमर, इसमें दो पार्ट हैं इसके, एक ये है एक ये है। इसमें सपोर्ट लगानी है हमने यहाँ पर, एक ये पूरा वन पीस है अपना। बस मशीन फिट हो जानी है, आपने ये लगाना है और इसमें सपोर्ट लगानी है। दवाई लेने बस। ये है हमारी लेग प्रेस हेक्स स्क्वाट, ये दो बड़े भाग जो है इसके, ये ब्लैक वाले हैं, एक इधर एक उधर। इसमें हमने केवल सपोर्ट लगानी है, ये वाली एक सपोर्ट नीचे है और एक सपोर्ट बिल्कुल लास्ट में, इसमें हमारी सीट लगी हुई है। सीमेंट जो ट्रॉली है ब्लैक वाली, ये सीट में इसमें सपोर्ट में यहाँ लग जाएगी इस तरह। ये हमारा एडजस्टेबल है, मेन है इसकी ट्रॉली, हार्ड कॉम की रॉड, रॉड वहाँ डल जाएंगी दोनों इस पॉइंट पे। इसके अंदर हमें ट्रॉली डालनी है और डालनी बहुत आराम से, बहुत प्यार से है, क्योंकि इसके अंदर बैरिंग लगे हुए हैं। अगर थोड़ा सा भी आप ज़बरदस्ती करेंगे तो बैरिंग टूट जाएंगे और फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, मशीन ख़राब हो जाएगी पूरी। तो याद रहे हल्का सा ऑयल लगा कर डालेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा, और बहुत संयम के साथ डालें इसको। थोड़ा टाइम लेती है फिट होने में, पर जाएगा आराम आराम से ही। हथौड़ी वगैरह से इसको ना फिट करें। बस कर दो। ये हमारा बैक रो हैमर, ये भी सेम पैटर्न है सब मशीन्स का, फ्री वेट का। जैसे चेस्ट प्रेस है हमारी, साइलेंटल है, जो बीच वाला फ्रेम है ये राउंडेड क्राउड हुआ हुआ, ये लेना है हमने। उसमें जिसमें बैठेंगे सीट, ये लगाना है यहाँ बोल्ट्स पर, इधर इधर आगे। बस उसके बाद जो येलो वाले हैंडल्स हैं हमारे, ये लगाने हैं, मशीन पूरी इंस्टॉल हो जाएगी। सभी मेन जितनी मशीन है सब लो मेंटेनेंस है और इजी टू इंस्टॉल है। ऐसा नहीं कि आदमी इंस्टॉल ही नहीं कर पा रहा, अपने आप कर सकते हो आप बड़े आराम से। ये हमारी चेस्ट प्रेस हैमर, इसमें हमने क्या करना है, जो नीचे वाला फ्रेम है इसका बड़ा वाला है, देख रहे हैं आप ये वाला, इसमें हमें उसके सबसे पहले ये फ्रेम लेना है। फ्रेम के ऊपर जिसमें हम बैठेंगे सीट, यहाँ लगानी है इस तरह, और आगे ही बोल्ट है ये लगाने हैं। और जो हमारे ब्लैक वाले पिलर्स हैं ये लगाने हैं नीचे चार बोल्ट पर, इधर और इधर। उसके बाद सपोर्ट लगानी है ये वाली, ये हाँ ऐसे ये सपोर्ट लगेगी यहाँ पर।
अब से लास्ट में ये लगाने हैं हमें, इससे हमारा वेट चलेगा ये हैंडल्स। ये मशीन हमारी पूरी इंस्टॉल हो जाए। भाई ये हमारा स्टैंडिंग काफ, स्टैंडिंग काफ केवल टू पार्ट्स में, बाकी पूरा वेल्डेड है। एक तो ये बस इसमें हमें येलो पार्ट लगाना है यहाँ दो बोर्ड पर, और इसमें सीट्स लगानी है, चार सीट हैं इसके अंदर, फिर स्टैंडिंग काफ हमारी इंस्टॉल हो जाएगी। भाई ये हमारी साइलेंटल हैमर, इसमें सबसे पहले हमें ये फ्रेम लेना है वाला, ये फ्रेम लेना है, उसके ऊपर फिर हमें ये ब्लैक वाला जो पार्ट है हमारा ये लगाना है इधर बोल्ट पर, दो इधर हैं दो इधर हैं, उसके बाद से हम बैठेंगे, ये लगाना है यहाँ पर बोल्ट लगाने हैं और यहाँ से लगाना है, और इन द एंड हमें जो ये येलो पार्ट है हमारा इसमें वेट चलेगा और यहाँ लगाना है इस रॉड में एक बोल्ट से इस्तेमाल, बस और सीट लगानी है, मशीन हमारी पूरी इंस्टॉल हो जाएगी। हट जाओ। भाई ये अपना फ्लिप टायर है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, बस केवल ये यहाँ पर लगाना है, ऐसे ही वहाँ लगाना है, बाकी पूरा वन पीस है, मतलब बोर्ड पर लगा हुआ, बोर्ड हम निकालेंगे नहीं इसके, वैसे ही लगे रहेंगे, और बिल्कुल न्यू टायर है आपका। हट जा। ये है भाई आपकी फीचर मशीन हैमर, इसमें कुछ नहीं करना आपने, ये दो फ्रेम आपके पूरे पूरे वेल्ड हुए आएंगे, वन पीस है, केवल आपको एक सपोर्ट लगानी है यहाँ, और एक सपोर्ट लगानी है यहाँ इस तरह, फिर आपको लगाने हैं ये हैंडल्स, फीचर के हैंडल्स जो हैं, एक यहाँ लगाना है और एक वहाँ लगाना है, ये हैंडल लगाने हैं इसके अंदर, यहाँ से सीट लगानी है, मशीन आपकी रेडी है। भाई ये है आपके एडजस्टेबल बेंच, इसमें कुछ नहीं करना है, वन पीस में आएगी, केवल येलो पार्ट आपको यहाँ लगाना है और ये इसको यहाँ लगाना है, सीट लगानी है, दो पतरे हैं, एक बड़ा पतरा है और ऐसे छोटा पतरा है, आपकी बेंच फिट हो जाएगी।